News 18, India. बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान जी। जो पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं बिहार की, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं हम लोग भी। एक बार परिस्थितियां स्थिर हो जाएं, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट होती है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ना सिर्फ अपनी नज़र इस पर रखी हुई है, बल्कि हम लोग की भी निरंतर बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी के द्वारा गठबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर फैसला लेने के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। आज मैं दिल्ली भी वापस जा रहा हूँ। आज से वैसे पूर्व निर्धारित कई कार्यक्रम थे, कर्पूरी धाम जाना था। वहाँ पर जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, जो लंबे समय से हम लोग की उम्मीद थी, हम लोग की मांग थी, देशवासियों की मांग थी, मैं चाहता था कि उस धरती को जाकर मैं नमन करूं, पर उसको भी थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया। अयोध्या से आया हूं, माता सीता के दर्शन की उम्मीद रखता था, पर राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इन तमाम कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए स्थगित कर मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से निरंतरता में मैं संपर्क में हूं। इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में भी कुछ बैठकों का दौर होगा और मुझे लगता है बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में अभी हैं, महागठबंधन में, वो वहाँ पर खुश नहीं है, ठीक से नहीं चल रहा है गठबंधन, और इसी वजह से वो वापस आना चाहते हैं फिर से एक बार NDA के साथ। सुना मैंने भी है, और पिछले कई वर्षों में कई बार हम लोग ये सुन चुके हैं कि वो जिस गठबंधन में हैं वहाँ पर सहज नहीं है और उन्होंने अपना गठबंधन बदला। तो लगभग पिछले एक दशक में देखें तो 3-4 बार ऐसा हो चुका है। एक बार फिर अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है, किसी को इसमें आश्चर्य ना है ना होना चाहिए, बट बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों को एक बार स्पष्ट होने के बाद ही लोजपा अपना भी रुख साफ करेगी। नीतीश कुमार अगर NDA में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे? देखिए, बहुत हाइपोथेटिकल है, बहुत अगर मगर के प्रश्नों में ही हम लोग उलझेंगे तो बहुत से प्रश्नों का जवाब निराधार देना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ घंटों की बात है, एक बार स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो, तमाम परिस्थितियों पर जवाब। पार्टी ने हमेशा से एक क्लियर स्टैंड हर परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए लिया है। पार्टी उस वक्त भी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। हमारे नेता ने इस बात को हम तमाम कार्यकर्ताओं को सिखाया था कि सबसे ऊपर राष्ट्र हित, फिर पार्टी का हित, और अगर उसके बाद कुछ बचे तो व्यक्तिगत हित की चिंता आपको करनी चाहिए। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो प्रदेश के हित को मद्देनज़र रखते हुए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हितों को मद्देनज़र रखते हुए लिए जाएंगे। क्या जो संकेत मिल रहे हैं वो बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? बदलाव के संकेत ज़रूर आज की तारीख में मिल रहे हैं, पर ऐसे ही बदलाव के संकेत कई बार और इसके पूर्व भी मिल चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हाइपोथेटिकली प्रश्नों के जवाब देने से बहुत बेहतर है कि स्थिति एक बार क्लियर हो जाए, पार्टी भी अपना क्लियर स्टैंड रखेगी।